प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूँ, फिर हम प्रयोग करवाते हैं। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीताम्बरी साधना भी कहा गया है। और पीताम्बरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है, पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ देगा हो तो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए, घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए, पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प हो, गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प हो उसमें चढ़ते हैं, दूसरे गुलाब के दूसरे पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते, जो भी दान करें उसमें तो पीले रंग रंग करके दान करें। यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है, और साधना करने के लिए जो जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, दो चार माला जपना है, ऐसा करूंगा, मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए, फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है, और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1,25,000 मनुष्य जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी, अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें सारा का, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मगर मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह पीत वस्त्रा और पीताम्बरा साधना है, चाहे नागपुर पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र दान करें, और जो भी पुष्प हो पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए इसको पीताम्बरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर दान, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र दान धोती को रख दें और वह धोती अलग समय कर दें, वो पहन पीला दुपट्टा ही आता, पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आप यंत्र है उस स्थान पुष्प समर्पित करना हो पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले रंग जल से उसको स्नान कराएं, पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं, या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और बेरोचन मिला करके, उन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तब भी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है, ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र, पर शास्त्र में विधान है कि इसको पीताम्बरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूं पीली।
लाभ तो उसका मिलेगा ही, इसलिए मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फर्क तो पड़ेगा ही, वो 100% पड़ेगा, ये 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा, धीरे धीरे अपने आप उसमें जुड़ते रहेंगे, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, अंतर उसमें जल्दी हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साधना करते हैं तो करेंगे आप, उसको तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ, बीड़ी साधना करने वाले थोड़ी देर हम बीड़ी छोड़ दें, मैं मना करूंगा तो बाहर जाकर बीड़ी पी के आ जाएंगे, फिर भी जी मतलब सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, तो कई लोगों को बिना सिगरेट पिए लक्षण लगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, हमने पूजा करते रहेंगे लगे नहीं, अब गुरु जी ने सिगरेट पीना मना कर दिया, असल ये और नहीं अडक, ऐसे आपने 60% लोग ऐसे भी हैं कि गुरु जी लक्षण नहीं लगेगी तो हम क्या करें, अब इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो तेरे पास आ नहीं सकता, ये बार बता ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि बिना सिगरेट पिए एकदम से लक्षण लगते, ऐसा भी कोई मंत्र मेरे पास तो कोई साधना है नहीं भैया, अब वो बेचारे दुखी है, मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने आपका काम जाने, मैंने तो आपको क्रिया समझाइए, नहीं हो तो कोई बात नहीं पी ले रहे, मैं उसके बाद वापिस स्नान कर लेना, और स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार कुल्ले करके साफ करके फिर बैठ जाए, मैं और आपको कर भी कह सकता हूँ, मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदात्त और चरित्रवान जीवन होता है, उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तब पूर्ण सफलता मिलती है, इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुलाकर रखते थे गुरुकुल में, न गलत काम करते थे न गण देते थे न बाहर जाते थे, 24 घंटे गुरु की नजर रहती थी क्या हो रहा है, वहां अवेकी हो नहीं सकते थे और उनको साधना में सफलता मिल जाती थी, यहाँ आप आते हैं 30 घंटे के लिए मेरे पास 37 घंटे अपनी जगह घूमते रहते, डिफरेंस ये है, मगर वो भी जरूरी है आपका जीवन, वो भी जरूरी है, फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है, आप चाहे उसको 10 मिनट बाद इफेक्ट देख लें 20 मिनट बाद देख लें, निडर निर्भय निश्चिंत मृत्यु से परे अकाल मृत्यु से परे पूर्ण सम्मुख शक्ति और प्रवाहयुक्त जीवन और श्रेष्ठ युक्त जीवन, जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं हो, न राज्य भय हो न शत्रुओं का भय हो न पड़ोसियों का भय हो न जीवन में किसी का भय हो, और भयहीन जीवन ही जीवन कहलाता है, ये और बने वैराग्य में वा भय, वैराग्य ऐसी चीज जैसे भय होता ही नहीं, क्या लगेगा सर कपड़े ले जाएगा बगल कपड़े ले जाए तुम भी ले जाओ उठा ले जाए, इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है, और आप भी वैराग्य से रहें जाएं निश्चिंता के जाएं, अगर बगलामुखी आप मंत्र जाप करते हैं तो कहीं को तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपको सन्नास मिला नहीं सकता, अपने आप उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ये दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ है 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को करवाया हुआ है, इस ढंग से पुण्य कम करना है, अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करवा देता हूं, सबसे पहले गणपति स्मरण करें, विघ्नो विदार मदितं भवदेव सिंधुं ज्ञानेव रूप गणपत्य भवेत नित्यं धैर्यं मदैव चित्त मदिदं सदैवं गौरी च पुत्र गणपतिं भवदेव सिंधुं, गौरी के पुत्र गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मेरे जीवन में आप विघ्नों का नाश करें, मेरे जीवन में पवित्रता दें, मैं विषय विकारों से ग्रस्त नहीं हो सकूं, मैं सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं, जो भी मेरा जीवन बचा है वह जीवन साधनाओं की ओर अग्रसर हो सके और मैं एक श्रेष्ठ साधक बनकर के जीवन यापन करता हुआ इस जीवन में सिद्धार्थम को प्राप्त कर सकूं, मैं मृत्यु हो ही नहीं और अपने आप तपस्वीमय जीवन ग्रस्त में रहते हुए भी तपस्वीमय निर्भय जीवन व्यतीत कर सकूं, ऐसा ही मैं आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ गणपति से और मैं आपको उनकी तरफ से भी आपको ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, शिखावंदनम सूर्यग्रहण मान शोकित नये मान आर्मान हो गोकमान हो अशोकमान हो वीरान स्वाहवामये सत्रा तो स्वस्थ दर्गम कृत्वा सहस मोटे सहस पादा चुर्भावे सहस नाम ने पुरुषा शासते सहस कोटि उधारणे नम अश्विगंधाम पांतु सत्रा तो ओंकार ध्वनि प्रक्षेप, 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, आप नीचे कर ले हरि ओ हरि ओ
ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूलं गुरु दि वाचा लंबं गुरु लंग यते गिरिं यत् कृपाद मुंदे परमानंद माधवम गुरु चरणे व्यो समर्पयामि नमः। ये तो भी खोल दे आग पास जी के भी होता ध्यान से पकड़ के खोल दीजिए। खोल के ऊंचा उठाइए आप पहले पहले उनको देखिए कि उनको तकलीफ आ रही है। मुक्ता देवता उदाहरण नहीं होगा यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरस्कार आयुष मुगरम प्रतिमंजु शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्म सुजताम तेनोपनीयामी। मेरी बात सुन लीजिए, पहले दुपट्टा बिल्कुल हटा दीजिए, फिर इसको धारण करिए, फिर पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा वापस ओढ़िए तो सुविधा रहेगी आप कर लीजिए। दुपट्टे में फिर अटक जाता है, फिर बार बार परेशान होता है, फिर हटा दीजिए दुपट्टा बिल्कुल, पहन लीजिए पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा ओढ़ लीजिए। एतावत् पर तुम ब्रह्मतम दास मैया जीवनता कृता गोगत सूत्र यथा सुखम विचार कर। ये उदाहरण के साथ मंगला मुख्यम तार वेद विधान पुनः है तो स्वाम अनुसार किसी कल्याण स्वाम मंगला मुख्यम मंत्र जाप मंत्र में उसे कल्याण तो ब्रह्म समृद्ध अब ध्यान से मंगला मुख्य का अपन ध्यान करेंगे। ओम विद्वा सदैव भवतम सेव शत्रुर्वताम भन्य सदैव रूपम निर्भय वताम पूर्णमदैव दिव्यम देव्यो वदामे प्रणमम नमामि ज्ञानेव चित्तम ध्यानम सदान्यम विकारोपनिषात् मदमे सदान्यम रक्षाम सदै रक्ष मदैव तुल्यम वल्गामुखित्वं प्रणमम नमामि देव्यो त्वां पूर्णमदैव सिन्धुम सिन्धोर्वतां पूर्णमदैव चित्तं पूर्णस्य रक्षां मत्तुर्भविष्यां वल्गामुखीमां प्रणमं नमामि पूर्णत्वं एतस्मानं जीवनं पूर्णरक्षायां एतं विचिन्त्यं कल्याणतां सुखसौभाग्यम् एतस्मान् सर्वत्र पूर्ण आयु आयुष्य आरोग्य प्राप्ताय निमित्तं सर्वसुख सौभाग्य कामना प्राप्तं पूर्ण निश्चिन्त निर्भय पूर्ण उन्नति प्राप्त निमित्त सा भगवान की प्राकृत्यम संपर्दे संकल्प कुरिया हाथ आगे करिए। वो माधव से पर संदेश मुझे भी चल रहा था कि बहुत दावे से समझने को समझता कल्याण धाम माधव पर माधव से संकल्प कुरिया से जीवन से गुड़ अपका बच्चन बदन पाप स्नान से काल सुहार नम सकल मन इस कामना से जतम लोके वासे भय राज द्वारे सर्वत्र यथा विजयला वादी पाद स्वार से सपुत्र से समानुष्य अखिल कुटुंब से दक्ष या सबसे समस्त भयोद्रा पीड़ा मस्तरा धर्म आयु आर्धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम मंगलाम की साधना सिद्धता शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्त निमित्तम एक पूर्ण जीवन आयु श्रेष्ठ ताम प्राप्त निमित्तम श्रेष्ठ मनोकामना पूर्वतम एक दक्षता पूर्वा समस्त मनोकामना सिद्धाय सचिंतम विचिंतम परिपूर्णाभ्यम संपर्दे जल छोड़ दीजिए। दीर्घो स्वाम पूर्वा तो स्वामी क्षेत्र कल्याणताम दीर्घो स्वाम ए तो स्वामी मालीताम पूर्वा पूजन कुरियात माला को आते लीजिए। और दोनों हाथों में लीजिए, पहले बाएं हाथ लीजिए, दाएं हाथ को बंद कर दीजिए संबुटित, कभी खोल के पूजन करना पड़ता कभी दाएं संबुटित बगला मुखी संबुटित की जाती है। माले माले महामाए सर्वशक्ति स्वरूप चतुर्वर्ग स्वाम निषि तीर ज्वाला महाज्वाला महादेव्या महावी विभूषणांत पूर्वत्र सर्वत्र सिद्धि पूर्वताम देवता पूर्व एतोस्मा सर्वत्र विजय भव त्वं बलगामुखी मिषा पूर्वा सर्वत्र विजयी प्रिय कृते मान पूर्वेण पूर्वतम भवतम श्रियम सदेव्यम भवताम रूपम स
सर्वत्रविलीन भवेत् माल्यं शासयामि तस्मानं सिद्धते मम रक्ष पूर्णत्वं सर्वत्र आयु आरोग्यक्षुदा मां पूर्णपरिवार रूपेण रक्षणां मां रक्ष एतस्मानं सर्वसिद्धि पाता निमित्तं मालितव्यं संवर्धते खोल के आंखों को लगा करके फिर गले में डाल कर दीजिए अब आप गुटिका है उस गुटिका को आप दे दीजिए सर्वत्र सिद्धि रूप में नता कितनी अंतर पूर्ण आत्म समान से के कितना कम नमो जनता सत्य मोटे सिपाद आसा सत्यम इदम जमो जो दी पूर्ण शाम सर्वत्र एक समान सात दम दम में दी विजय का समान को दिखा राम पूर्ण विजय लाभम सात तथा पूर्वाय का समान से के लाभम दी रो तो समान समान दी पूर्वा से कितनी ये दो समान से कितना नित्य ओसा नित्य परिपूर्ण तो साम पूर्णत्व कुंड रूपेण पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णा पूर्णमुचिते पुरुष्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्ये पूर्णप्राप्ता निमित्तं स्वगुटिका मम पूजन कक्षे सा एतस्मिन् मल्गामुखि सिद्धये सा सिद्धि कल्याणतम सा तुभ्यम् इदम् उच्यते भोजति पुनरम् अमु गोत्रोत्तम अहम् फिर गोत्र बोले अमु शर्माहम् नाम बोले ताम चैतन्य स्वरूपम म समस्त विकार रहितम सा दोष दुख दाद निवारणार्थम सर्वकृत निवारणार्थम मम विकारग्रस्त जीवनम सा परित्याज्यम सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म प्राप्ता निमित्तम गुरु चरणार विंदे सा पूर्ण समर्पण रूपेण ताम गुटिकाया मम आज्ञा एकम सपुरम तेजस्विताम साकार मंत्र सात्यम इदमस्मि मोजो त्रिपुण ताम सा क्रीम क्रीम राम पूर्व आदि समय क्रीम क्रां सांसार के पूर्व ताम दीन कुंभ बजमाने सापुर गुटिकां का सुदय पांच विश्राम पद्यम संपद रे हे गुटिका को अपने सामने रख दीजिए ये गुटिका इसलिए है आपकी पूजा स्थान में रखने के लिए कि आपके अंदर के विकार अपने आप में समाप्त हो सके जो इसे दर्शन करें विकास समाप्त हो और शरीर शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो सके और शरीर में अपने आप में तेजी से प्राप्त हो सके इसलिए और यहाँ कई बार भी इस गुटिका को अपनी जेब में डाल करके भी किसी मिलने जाए तो काम सिद्ध होता है इस गुटिका को इस रूप में भी आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति से मिलने जाए आप अपनी जेब में रखें छोटी सी गुटिका है तो आधे से ज़्यादा काम तो ऑटोमेटिकली आपका सिद्ध हो जाता है इस दृष्टि से भी यह इस जो मंत्र बोला है उस मंत्र से सिद्ध हो जाता है अब आप यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए बाएं हाथ में दाहिने हाथ से इसके ऊपर स्नान करवाइए जल से ऐसा सोचिए मैं स्नान करवा रहा हूँ जल से पहले ओम वर्णश्योतम वर्णमसि वर्णि तो वर्णश्य रेतकृदमसि वर्णश्य रेतकृदमासि वर्ण स्नानम समर्पयामि नमः वर्णनाथ से पय स्नानम दूध से ओम पयापति ज्ञान पयोखनि गुभयोदिवंतरिक्षेप पयपति विदिशासंतमयम् पय स्नानम समर्पयामि नमः दधि स्नानम ओम दई क्राम ओम दई क्राम कार्य मुखा आयु खिलाई कर सदि स्थान समृता गतस्थान ओम कथम मुमिक्षे कथम से शिलाम अनु कदमा वहाम दय सुस्वाहा कथम रखव्यम न कथस्थान समृता वह कथस्थान से मधु सैर ओम मधुवाता यता यते मधु क्षेदंति सिंधव माघ बीज सिंधवो कधि मधु रक्त मुदो खसो मधु मुद्पास गुम रज मृद्यो सुधा मधु माम नो भिन्न मधुमा अस सूर्य मा दीर्घाओ बहुत नमृता नाम से शर्करा स्थान सतत सैको से शनिखंग बृषि सुगुंस्ता सौजन द्रोवेना सगु सष्ट जिस्सो मपा बाहु नंदमा प्रदा मृता शर्करा स्थान समर्चा न पंचम स्थान पांच को मिला करते पंचम स्थान ओम पंच विद्या सरस्वती मपि अंग सोदसा सरस्वती पंचदास हो देशी वसित पंचम स्थानम समर्पयामि नमः के शुद्ध जल से गंगे की यमुने की वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल निश्चय करो ब्रह्मांड लोक तीर्थानि करे स्पष्टा करे तीन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवास ओम शुद्धो जलम स्थानम समर्पयामि नमः पुष्पे न पक्षयामि नमः इसको पहुँच लीजिए पुष्प से या अपने दुपट्टे से तत्रादु तिलकम कृत्वा इसके बीच में एक बिंदी लगाइए कुंकुम की समूह चिंता सरसमूह तय सरसपादा और ये जानती है कि ये दूसरी उंगली तीसरी उंगली से पूजन होता है बिंदी वगैरह देवताओं को पूजन तीसरी उंगली से किया जाता है हमेशा ये जान जो कुंकुम लगाना है अपने देवताओं के लगाने से तीसरी उंगली का पूजन होना चाहिए सब छोटी उंगली से पहले वाली उंगली ध्यान रखें दूसरी बार और से लिख रही उस बिंदी के ऊपर पूर्व आयो शक्ति कल्याण फिर तीसरी बार कुंकुम बिंदी उसी पर लगाई बीच में लगाना है चतुर्थे वर्ण चतुर रावण में चौथी बात उसी के ऊपर बिंदु लगाइए कुंकुम लगाइए उसको कुंकुम लेकर के लगाना है पंचम बारे न पंचमावरण सात कृदान्त ष्ठ बारे न ष्ठ सात कृदान्त संबद्ध
सप्तमेना सप्तम आवराणी सातुरात स्वामी सब जम समर्पण कह। अब वहां बिंदी से कुंकुम लेकर के फिर अपनी रात पर लगा दीजिए। ओम नमो संताश समूर्त सस्पादा सुरभाव ससनाम में कुछ सुते सस कुटी धारण है नम इंद्र को निचर दीजिए और हस्त प्रक्षाल अपना हाथ धो दीजिए। हस्तान पूर्वा तो स्वामी सब प्रक्षा में पहुंच दीजिए फिर यंत्र को वापस हाथ में दीजिए। सत्तारु स्नान क्रिया स्नान के अक्षतम समर्पयामी मां अभी चलाइए। ओम अक्षुन नमी मंद अभ्यासो कृत सुभान वो विप्रान श्रीराम से दक्षिण सुन अक्षान से पुष्पम समर्पयांग समाजांग सुगुंदी मानसा निम्रो मया तम पूजा तम पुष्पाणी तम पुष्प समुद्रान पुष्पान से धूपम समुद्रान रूपान से दीपम समुद्रान दीपान से निवेद्यम समर्पयांग निवेद्यां से पुंगी फलम समर्पयामी मां पुंगी फलां से दक्षिणाम समर्पयामी मां दक्षिणाम से अभी गुलालम समर्पयांग अग्नांते सुगंध माल्यम समर्पयामि मह सुगंध माल्यां तेसा क्रीद पुष्पा विवाह स्वामी सत्य कल्याणता दक्षिणाम ते पूरा हेतुस्मान प्रदक्षिणाम कुर्यात यानी काम के पापा ने ज्ञाता ज्ञात कथा चांदन सिंह प्रक्षणाम परिवरे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव प्राणी माम पुंडरीकाक्ष शरपाप विनभूत तान पूर्वा हेतुस्मान सत्य कल्याणता नाम पूर्वा बगलामुखी पूर्ण पूजनम च मम करिष्ये। अब यंत्र को अपने हाथ में लेकर के नीचे रख करके खड़े हो जाइए। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को या आपके दोनों हाथ हैं और दोनों हाथों में अग्नि जलाने अग्नि प्रज्वलित करनी है अग्नि से पूरे स्नान करनी है मतलब अग्नि से स्नान करना मतलब अग्नि स्नान करने का मतलब है पूर्ण पवित्र होना और अग्नि स्नान करने का मतलब है कि दोनों हाथों को तरह सुन दीजिए दोनों हाथों को मिला करके और जो मैं कहूँ कर बोलिए तेजी से रगड़िए और इतनी तेजी से रगड़िए कि मतलब ये लाल सुर्ख हो जाए सफेद पड़ जाए तुम्हारे हाथों में बहुत तेजी से मैं करो मत और जितने स्पीड हो सके उतनी तेजी से कि अंदर ये सब एकदम से गर्म हो जाए और कई बार इतनी तेजी से करने बाद लकड़ी को लकड़ी से जोर से रगड़ने पर अग्नि मंथन में यज्ञ में हम देखा होगा कि अग्नि मंथन से अग्नि पैदा करते हैं लकड़ी को लकड़ी से टकरा करके लकड़ी से लकड़ी टकराने से अग्नि पैदा हो जाती है तीनों तेजों को टकराने से अग्नि पैदा हो सकती है और पैदा करते हैं और पैदा करके उसे स्नान करते हैं। इसलिए आप दोनों अतिलय को आप रगड़ना शुरू करें। ओम साइकिल का दांत भीज करके ताकत के साथ क्षमता के साथ आपका 1/4 है और 3/4 जोड़ना है इसमें स्पीड में और जोड़ो थोड़ा थोड़ा और जोड़ खुद देख लीजिए आप क्या चलिए चलिए तेज चलिए अभी दुखी हुआ नहीं आग दिखाई लपट दिखाई दी नहीं तो तेजी रगड़िए और वह क्रोध में मुद्रा में गुस्से में आकर के आप अतिलय को रगड़ना है किस मजाक आशय में नहीं वो तेजी के साथ क्षमता के साथ सत्रादुपूर्ण अवसर पर सत्रादुपूर्ण श्रमग्न स्थापयामी न सत्रादुपूर्ण शीतलता स्थापयामी न सत्रादु करुण स्थापयाम न तथा ग्रीवाया मन स्थान समझाम न तथा वक्षस्थले अग्नि स्थान समझाम न तथा मूर्धे चाउद्रे अग्नि संसाणी तथा बाहोभ्याम अग्नि स्थान समझाम न तथा कष्टो अग्नि स्थान समझाम न तथा संपूर्ण शरीर भ्यो अग्नि स्थान से कुर्या कह। बाएं हाथ में जल्दी से लेफ्ट हैंड में और दाहिने हाथ से शरीर को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्र वा सदा रसायन राजस में पिंडरी का शिल्प वाही आभ्यम सरस्वती शीतली करणम कुरिया सह जैसे आरती करने के बाद में उसके चारों अग्नि की परीक्षा इसलिए करते हैं शीतली करने जाए शीतलता हमें दे इसलिए स्नान अग्नि स्नान करने के बाद में शीतली करने की अपनी पवित्र करवाए। अब इस जयंत को अपने हाथ में ले लें दाहिने हाथ में दीजिए राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ना है शरीर में तारा बगला में सिद्ध कर लेंगे दाहिने हाथ राइट हैंड पकड़ लीजिए इसको जैसे पकड़ते हैं
कृतालु सिनेता मेतो पानम सिरासुना पूर्वाद अवसंतात विलाम किम सिद्धेता पूर्वाद अवसमान पूर्ण रक्ष ताम सिरक्षम ताम शिर दोष अस्थिर रोग निवारणार्थम सत देते लिलात रोग निवारणार्थ साथ में लिलातम स्थापया में नेत्र रोगो विसर्जित के साथ बिलाम क्षेत्र नेत्र रोगों का कर्ण रोगो विसर्जित के साथ कर्णों का स्थापया में मुख मुख से थोड़ा दूर रखें मुख रोगों का नियत पीले पूर्ण से पत्नी से पम त्रिभुगम स्वायत्त स्वानम जीवायाम पुरासा ऐसा स्वानम जीवायाम दोष निवृत्त है पुरासा रोग निवारणा थी तथा वक्ष समय रोग निवारणा थी साथ से चलेगा थी तत्वा दूर ऐसा स्वानम स्तनो ऐसा स्वानम स्तन रोग निवारणा थी साथ पुरासा स्वानम तत्वन तत्वा दूर हरे हरे रोग निवारणा थी साथ बलाम की मम हरे साथ दिन पुत्र स्वानम निवारणा तथा उदरे उदर रोग ऐसा निवारणा थी स्वानम शिव के कल्याण काम से तत्वा दूर नाभो साथ मुक्ति कल्याण काम पुरवा ऐसा स्वानम सक कल्याण काम बलाम की मम नाभि रोग साथ में शरीर आंतरिक रोग निवृत्तम साथ में बाहुभ्याम तुम बाहुभ्याम मंदिर देखो तो निकले विजन प्रदान के सालों प्रश्नों में प्रश्नाम के जो स्वामी से कल्याण काम पूर्वा समस्त शरीर दियो साथ में जाम कल्याण काम ना दूंगे तो स्वामी से कल्याण काम लेते साथ में इस्लाम के मुस्लिम हो जाते क्यों ना साथ ब्यम संपा करे है नाभि के ऊपर का शरीर ही साधक का शरीर कहलाता है नाभि के नीचे का शरीर ग्रस्त जीवन कहलाता है ग्रस्त शरीर कहलाता है इसलिए नाभि के ऊपर का शरीर ही साधक के लिए उपयोगी होता है तत्वादि साथ पूर्ण आयत स्मान से कल्याण काम दीर्घ हो तो स्मान साथ व्यम इन मतलब मोदी से पूर्ण साथ व्यम संवर्दे तत्वादि पूर्ण सत्य पादे में कुल ज्ञात है अब मैं आपका सत्य बात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सीधे खड़े होकर सब देखेंगे और यंत्र आपके दोनों हाथों में रहेगा और हाथ आप ऐसे ऐसे लगाएंगे जैसे कमल बनता है यूं जैसे मेरा हाथ है इस कमल में इसको रखेंगे इसे गिरे ऊँट से मुझे मिला होगा ऊँट इस उंगली से ये उंगली उंगली से और ये पूरा हाथ मिला होगा और ये इतना सब मिला होगा पत्नी उसने बीच यंत्र भी नहीं गिरेगा हाथ ही पर उठा ये ध्यान और हाथ ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है पत्नियों यंत्र हाथ में होना चाहिए आपके जाने कमल मध्य शाम बदलाम सिंह स्थापित कमल बनाया कमल के मध्य में बदलाम सिंह ने स्थापित किया है और सिर्फ प्राण रूपेण आकाश से पूर्ण देवताओं की बदलाम की कोशिश भी प्राप्त कर दिया सा पूर्वाय को मालूम से दिखना था मूल इंदा सरसम मुद्दे सचपाल चुभावे सचनाम में बताया था सुबह सर्व कोटि धार निर्वाण ताम शक्ति पाते में कुरिया था समस्त शिष्य नाम अनु अनु गोत्र भी अनु नाम में भी ताम पूर्णतम था हाथ आपको बहुत नीचे हैं ऐसे होगा नहीं अगर करें तो पूरी चिंता के साथ हाथ को बहुत ऊंचा उठाइए और मैंने कहा कि जितने ऊंचे पर हाथ में खम नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं आप बिल्कुल ऐसे ऊंचे उठे तो और ऊंचे गर्मी भी ऊंची उठेगी पैर ऊंचे तो एकदम से पूरा शरीर ऊंचा करने का सब होगा ना ओम पूर्वा तो स्वान और मेरे सब देखेंगे जी रोड से स्वान से क्रिकेट लड़ता हूँ बहुत इंदा मोटे साफ पूर्वा तो स्वान से क्रिकेट लड़ा हूँ बहुत इंदा हो रहा पूर्वा साहब जितने बगलाम की साफ सिद्धि 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 साफ पूर्वा तो स्वान साहब सिद्धि बात हो रहा पूर्ण सिद्धित्व प्राप्ता निमित्तम सर्व रोग निवारणार्थम दोष निवारणार्थम दुख निवारणार्थम दाद निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम दारिद्र निवारणार्थम चैतन्य निवारणार्थम सर्व सुख प्राप्ति में तो मानम सर्व शत्रु भय निवारणार्थम राज्य भय निवारणार्थम देश भय निवारणार्थम ग्रस्त भय निवारणार्थम ताम साधु पुरात्म अकाल मृत्यु निवारणार्थम मृत्यु भय निवारणार्थम सा चैतन्य मूर्ति हेतु स्वानम बगलाम की पूर्ण मम हृदय स्थापित सा सर्वत्र विजय प्राप्त निमित्त विजय विजयता पूर्णता समस्त कार्य सिद्धि प्राप्त निमित्त समस्त जीवन पूर्णतम निर्भय निश्चितम हेतु स्वान सर्वत्र विजय प्राप्त निमित्त तत्व पूर्णत्व प्राप्त निमित्ता सा बगलाम की पूर्णतम साम आयु महिमा श्री सजरे हेतु स्वामी शक्ति पाते न पूर्णतम सा दीदा दीवार स्वामी प्रेक प्रेकलाम जो कल्याण बनाम दीपो स्वामी सब उम्मीदवार सा जितने मृत पूर्णाथ स्वानम सा नृत्य का दीपो स्वामी सब प्रेक नाम राम जी रोज सा जितने मृत पूर्णाथ अतो स्वानम सा पूर्व हेतु स्वामी सब प्रेक नाम तमो दीदा से समूह इसका दस बड़े पूर्व की स्वर देवता हूँ वायु देव हो सलताम पात्र से शर्मा ब्रह्मण आप पिया इंद्राय भागम प्रजा इंद्रा महिमा उसी समय गुरु सब दुर्वासन गुप्त सिया तपवीर यजमान उससे पशुन पाही ताम पूर्वा अंकम चंचन तम पम मंदिरा मंदिरा मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे तो क्या तो क्या दीप्तम दीप्तम पाम तिंगुम पापी पूर्ण रेखां तिंगुम देवता शांत सिंह सोम सब दिन रावण सिंह दिन उसमें एक का भी रूपा एक का रूपा के क्लीन काली काम रूप में बीज रूप में होते चामुंडा सिंह घासी चर यही काली बता नहीं बच्चे चर धाम दिन धूम दूजरे पति वाम नहीं वो बात दिख रही क्रां सिंह रूम काली की देवी श्रां सिंह से भी सुग्रो हम 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 का रूप में जन जन दिन जम बनाते राम भी वो भय भी बद्री भगवान नहीं दिन होना ताम बलराम से हम हम का रूप में ना ताम जात रूप में ना ताम शेर रूप में ना शेर रूप में ना पाद उसमत पाद विजय पाद ना पना विजय रूप में ना ताम वादी मोह समस्त शरीर है अब भी ज्वाला हम प्रज्वलन से तो भस्म काम पूरा है तो स्वनम मम नेत्रे ज्वाला हम प्रज्वलन से
ساقولتو سموغنا سكتی باتا نوتم سلطو سواباك سكتی باتا نوتم چتن سكتی باتا نوتم نشر سكتی باتا نوتم پونت سكتی باتا نوتم سا چتن سرگوناتا سوامن سكتی پلانتم نیتو بام ایتو سوان مما سلطر بھالے دان بھال وجنتی شا پورا ایتو سوان سا تب دمینوت موجودتی پوروا سا دنی تب دمینوت موجودتی پورو سان دیتو سوانم سر سکتی پلانتم نا ساتا پوروا سا سوان سکتی پلانتم دیرگو سا سنتم چنتم 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 سب گن بگا بگی سب مما تیرتم جوالا روکنا مہا جوالا روکنا بہتی جنبا روکنا تام سوٹی پورنا مات روکنا شور روپنا چرا روپنا پتر روپنا سکتی روپنا آکاس روپنا سبت رجے روپنا جگن روپنا سرط رجے تاپ روپنا راجد جواری سرط سدی روپنا سام پون ممت و سمت سریر چیتن دے مپتتم سام سیتن دیگم دبیو تمام سام پون دن سا سدی روپن سا تو پسا دان میشن پورنا تبیم سمت پیتا آج نیچے لاتے اور آنس اس لگا سکتے اور آج میں بیچ جن تو آپ کے آدمی رہے گا تو آج میں بیچ हाथ जोड़ दीजिए दोनों आंखों बीच में यंत्र रहेगा जैसे यंत्र यहाँ है दोनों आगे पूर्वो सदा मे भवताम प्रियंतम मनुष्य स्वरूपम सर्व प्रसिद्धि निर्भयो भवाम पूर्णमदेवतुल्यम वल्गामुखी त्वाम परमं नमामि दीर्घातिजुष्यम दीर्घो सदैवम रूपम न शोकम न दुःखम वदन्ति सर्वत्र सौभाग्य वदन्त पूर्वे वल्गामुखीतां प्रणम नमामि सर्वत्र विजये भवदेहनेत्रं नेत्रोज्ज्वला तज्ज्वलत पूर्वसिन्धुम् एते स्मरां वल्ग सदैव सोक्षम वल्गामुखीतां प्रणम नमामि सर्वत्र रूपे यौवन सदैव ज्ञानं सदैव पूर्णं सदैव सोक्षम सदैव राज्यम सदैव वल्गामुखीतां प्रणम नमामि सर्वत्र सोक्षम वल्गामुखीतम मम नेत्र रूपम मम देह रूपम मम प्राण रूपम चैतन्य रूपम वल्गामुखीतम प्रणम नमामि कथम वल्गामुखी शम समस्तं धारयामि पूर्ण सिद्धि प्राप्तामितं तत्रादि गुरुं प्रार्थयेतः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या युक्तानुसार गुरुत्वं सदैव पूर्णमदे पूर्णं त्वां कपात्वां परिपूर्णसिन्धुम् ब्रह्मस्वरूपं भवतं श्रीव कृपाकटाक्षं बलगां त्वरितम् हलीं बगलामुक्षे हलीं फट् ॐ हलीं बगलामुक्षे हलीं फट् ॐ हलीं बगलामुक्षे हलीं फट् ये पन्ना आपको मिलेगा एक बार फिर आपके आज के सौभाग्य पर मैं बिल्कुल निश्चल भाव से कह रहा हूं कई वर्षों की साधना और सेवा करने के बाद ही गुरु इस प्रकार की साधना देते हैं